डबल पॉइंट बेगूसराय की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। बंधुओं, सुंदर कौन नहीं रहना चाहता। प्रकृति में ऐसे अनेक साधन हैं, फल हैं, फूल हैं या और भी दूसरे चीजों के माध्यम से हम अपने सौंदर्य को निखार सकते हैं और अपने चेहरा, त्वचा, बाल और शारीरिक सौष्ठव आदि का को संतुलित और बिल्कुल उस तरह से कर सकते हैं ताकि ये सौंदर्य की प्रतिमा और सौंदर्य का प्रतीक बन जाए। तो आज हम फूलों और फलों के द्वारा हम अपने सौंदर्य को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आंवला की अगर बात करें और आंवला के रस की बात करें तो आपको पता है कि विटामिन सी का प्रचुर भंडार, जो हमारे बालों को काला कर सकता है, चेहरे पर कांति ला सकता है और हमारे जो एंटी एजिंग का काम कर सकता है, यानी हमें शरीर के झुर्रियों को कम कर सकता है। इसके लिए आंवला का सब तरह से प्रयोग किया जा सकता है। आंवला का जूस पिया जा सकता है, आंवला का चूर्ण लिया जा सकता है और आंवला का पेस्ट बना के उसके चेहरे पर और त्वचा पर लेप भी किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर अगर चुकंदर की बात करें, जो आयरन से भरपूर होता है, सब लोग जानते हैं, इसका रस पीने से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है और इसके पेस्ट को लेप करने से हमारे चेहरे की लालिमा, चेहरे पर लालिमा आ जाती है। अंगूर की बात आप करते हैं, अंगूर के रस भी, अंगूर का जूस भी हम लोग पीते हैं, जो हमारे लिए, हमारा जो ये क्या कहते हैं, अधिक वेट, मोटापा जो है, तो उसको दूर करने में काफी उपयोगी होता है, चूंकि यह भी विटामिन सी से भरपूर होता है। आम का मौसम चल रहा है, इसमें विटामिन ए और बी और सी तीनों होते हैं, जो चेहरे पर कील मुहासे, फोड़ा फुंसी इत्यादि को तो दूर करते ही हैं, हमारे पेट को पूरा साफ रखते हैं, जिसके कारण हमारा सौंदर्य काफी बेहतर हो जाता है, ये कब्ज को भी दूर करता है। गुलाब जल, गुलाब जल की तो बात छोड़िए, हर चीज में आप गुलाब जल डालते हैं उसको स्वादिष्ट और सुगंधित करने के लिए, और गुलाब जल का अगर लेप करें, पानी में अगर थोड़ा सा गुलाब जल डाल के स्नान करें तो झुर्रियों को भी कम कर सकता है। हमारे गांव में, हमारे शहरों में शिकाकाई और रीठा से बाल धोने की भी परंपरा है, जिससे बाल सुंदर और घने होते हैं, काले भी होते हैं और इससे इसका रंग तो होता ही है और काफी इससे लाभ भी होता है। देखिए, आपका लेमन ग्रास की अगर चर्चा करें, लेमन ग्रास का अगर पेस्ट बना के लेप करें तो कील मुहासे, चेहरे का रंग भी थोड़ा सा व्हाइटनेस भी आ सकता है। लेवेंडर बहुत खुशबूदार होता है और लेवेंडर की खुशबू बहुत मशहूर भी होती है, ये बैंगनी रंग का फूल होता है, तो उसके फूल और चमेली का फूल मुल्तानी मिट्टी के साथ अगर लेप करें हम अपने चेहरे पर, हम अपने शरीर पर, हम अपने बालों में, तो काफी इसमें की सौंदर्य में वृद्धि हो सकती है। नींबू की चर्चा करना बहुत लाजमी होगा कि लेमू, नींबू और उसमें मेहंदी का चूर्ण अगर मिला के आप लेप करें तो गंजापन को भी दूर कर सकते हैं और ये इसमें चमक भी आता है चेहरे पर, वजन घटाने का काम भी हो सकता है। नींबू वजन घटाने के लिए काफी उपयोगी होता है, सुबह सुबह पानी में नींबू और शहद डाल के पीने से यह होता है। दाग धब्बे हटाने के लिए ये जो है आपको नींबू का, ये केहनियों में, ये पैर के एरियों में, उंगलियों में, इसको इसका अगर बाहर का छिलका उसको रगड़ देते हैं तो उसका भी साफ हो जाता है, दाग धब्बे हट जाते हैं। चाय की उंगली पत्ती, नींबू का रस को ये बालों में शैम्पू करें और जब सूख जाए तो धोने पर आप देखिएगा कि इसमें काफी चमक आ जाएगी और इसमें काफी घनापन भी आता है। नींबू का रस का एक तरह से और प्रयोग कर सकते हैं, नींबू का रस, अंडे, दही इत्यादि का जब प्रयोग करते हैं तो आप 3 चम्मच मेहंदी का चूर्ण ले लीजिए, मेहंदी, और 200 ग्राम दही, 2 अंडे को पूरा उसमें डाल दीजिए और नींबू का रस उसमें निचोड़ दीजिए, गुलाब जल ये, और उसमें आप 2 चम्मच कॉफी पाउडर भी डाल दीजिए, सबका पेस्ट बनाइए, पेस्ट बना के उसको रात भर छोड़ दीजिए, सुबह में अगर सिर पर लेप कीजिएगा और सूखने पर धोने से
आपका बाल का गंजापन दूर होगा, बाल का गिरना झड़ना काला होने की भी प्रक्रिया होने लगती है। खीरा का रस, खीरा का रस भी इसके लिए बड़ा उपयोगी होता है। खीरा खाना तो उपयोगी है ही, चूंकि उसका ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है, कम कैलोरीज का भी होता है, इसीलिए खीरा तो खाइए ही। और उसके रस को लगाने से दाग धब्बे कील मुहासे और झुर्रियां तक दूर होती है। और यही काम टमाटर का रस करता है। टमाटर का दो भाग काट लीजिए और उसके अपने चेहरे पर उसको लगाइए। अगर किसी को कील मुहासे तो खाने पीने के गड़बड़ी के कारण होती है, उनके अनियमित आहार, फास्ट फूड, जंक फूड और अधिक तेल खाने से होता है, मैदा खाने से होता है, व्हाइट चीनी खाने से होता है, तो इससे आप बचिए। देखिए ये सब चीज कम हो जाएगा। आलू को लोग बहुत खराब समझते हैं, लेकिन इसका पेस्ट में काफी, इसमें विटामिन सी होता है, इसके पेस्ट जब चेहरे पर लगाएंगे तो इससे आपको काफी लाभ होता है। पपीता, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा होती है और आपके ये क्या कहते हैं ब्यूटी पार्लर में भी पपाया का वो एक वो चेहरे पर वो किया जाता है फेशियल, तो इसका पेस्ट बना लीजिए तो दाग धब्बे कील मुहासे मैल देखिए। और ये इसमें थोड़ा सरसों का तेल और हल्दी मिलाकर अगर लेप कीजिए तो पैर की बीवाई या पैर में जो फट जाता है उसमें भी काफी लाभ होगा। जामुन की चर्चा करना मुनासिब होगा, इसके गुठली को पीस पर चेहरे पर लगाने से आपके कील मुहासे दूर होते हैं। यानी कील मुहासे तो कुछ है ही नहीं, इसके लिए लोग बेकार परेशान होते हैं। देखिए नारियल का पानी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पानी कहा जाता है, और उसको पीजिए तो आपका स्वास्थ्य तो यूं भी आपका स्वास्थ्य चमक जाएगा, चेहरे की कांति आ जाएगी। अगर आपके नाखून कमजोर हो गया हो, आपका हड्डी ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रस्त हो, तो नारियल तेल को हल्का सा गर्म करके मालिश कीजिए, आपको बहुत ही लाभ होगा। देखिए सेव की चटनी और जौ का आटा और शहद, ये तीनों का आप उबटन बना लीजिए, उबटन या पेस्ट उसको कहिए, हल्का गर्म कीजिए और सूखी इसको अगर लगाइएगा तो आपके सूखे त्वचा की चमक काफी आ जाएगी। अगर त्वचा सूखी हो, तेलिए अगर त्वचा हो तो आप उसको काफी चमकदार हो गया है, तो सेव के छिलके का पेस्ट बनाकर आप उस पर त्वचा पर चेहरे पर लगाएं। केला भी बहुत उपयोगी होता है, पका केला आप उसमें ले लीजिए, अंडे की सफेदी और छिड़का तीनों को मिला लीजिए और इसे चेहरे पर लगाइए, इसको आप एकदम उबटन के रूप में चेहरे पर लगाइए तो आपको देखिएगा चेहरे का की कांति बढ़ जाएगी, रौनक बढ़ जाएगी और भी सौंदर्य में अभिवृद्धि होगी। अनार, ये फल और उसका जूस तो बड़ा ही उपयुक्त होता है। जूस पीने से हमारे शारीरिक सौष्ठव में विकास तो होता ही होता है। अनार का छिलका या इसके पत्तियों का रस अगर 500 मिलीग्राम ले लीजिए मिलीलीटर, और उसको 750 मिलीलीटर तिल के तेल में धीमी आंच पर पकाइए, और जब देखिए पत्ती या छाल बिल्कुल जल जाए तो तेल को छान के एक बोतल में बंद कर लीजिए और उसका कुछ बूंद लेके अपने स्तन पर नीचे से ऊपर की ओर दो या तीन बार प्रतिदिन अगर मालिश करते हैं तो इसे स्तन का ढीलापन भी खत्म हो जाएगा और उसका आकार भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बहुत उपयोगी है आपको। खरबूजा की बात अगर करें हम, खरबूजा का गूदा को पीसिए, उसमें हल्दी मिलाइए और उसको पर पेस्ट लगाइएगा चेहरे पर तो कील मुहासे तो खत्म होगा ही होगा। और इसके बीज को अगर नारियल पानी में पीसकर आप आंख के नीचे और ऊपर चारों तरफ लगाएंगे तो यहां जो काले घेरे आते हैं आपके नीचे उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। संतरा फलों में बहुत श्रेष्ठ फल माना जाता है, जो विटामिन सी से भरपूर होता है। आंखों के चारों ओर जो झुर्रियां, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल और क्या क्या गुण इसमें होते हैं, ये आंखों के चारों ओर जो झुर्रियां होती है उसको तो दूर करता है इसको रस पीने से। और अगर चेहरे पर लगा दीजिए इसके छिलके का भी अगर उसको पानी में घोल करके तो देखिएगा कि इसकी झुर्रियां, कील मुहासे सब समाप्त हो जाएंगे, दाग धब्बे। तो आप देख रहे हैं इस तरह से कि दाग धब्बा तो कोई चीज ही नहीं है अगर आप इन फलों का उपयोग कर ले तो। अब अंत में हम आप अनानास की चर्चा करें, जो त्वचा को तो स्वस्थ रखता ही है और इसका रस और इसका फल का सेवन काफी
उपयुक्त होता है। और इसका अगर पेस्ट बना लीजिए तो ये त्वचा को चिकनी सुंदर साफ और मुलायम बनाता है। गुलाब जल में आप उसका अनानास का जो सूखा छिलका हो, छिलका को सुखा के उसका पाउडर बना लीजिए और गुलाब जल में उसको पेस्ट बना के आप उसको दाग धब्बे झाई झुड़िया और ये क्या कहते हैं झुड़िया वगैरह जो होता है सब पर मालिश करने से आपका ये सब का सब दूर होगा। एक और आपको बता रहे हैं, आपका अजमाइन और ये व्हीट ग्रास का को जो होता है छोड़िए उसको पहले, अजमाइन को हल्दी उसमें बेसन मिलाइए, थोड़ी फिटकरी मिला दीजिए और उसको व्हीट ग्रास जूस में उसका अगर पेस्ट बना के चेहरे पर त्वचा पर मालिश करते हैं तो वो उसके लिए काफी बड़ा टोनिक का काम करता है और उसके चिकनाहट को उसके झुर्रियों ला करके उसके झुर्रियों को दूर करता है। तो इतने तरह के उपाय जो हमारे फलों फूलों कंदों के द्वारा हमारे सौंदर्य के लिए किया जाता है, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं लेकिन आप इसको ही अपनाएं आजमाएं तो आपके दाग धब्बे कील मुहासे तो हवा हो ही जाएंगे, आप बुढ़ापे में भी जवान दिखेंगे, आपके चेहरे चमकते हुए नजर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारा ये समूचे वीडियो देखा और हमारे यहाँ आहार पद्धति देखिए, आहार तो आप जरूर लीजिए, आप हमारे आरोग्य आहार का पालन कीजिए, इसके लेने के बाद तो आपको अधिक लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके सुंदर स्वास्थ्य और सुंदर सौंदर्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।